भगवान श्री कृष्ण की छठी के पावन पर्व पर मोहान में कई तरह की झांकियां व विशाल शोभा यात्रा मोहान के छोटा सिवाला कटरा मोहल्ला से निकालकर मोहान स्थित सईन नदी के पुल पर समाप्त की गई। इसके अलावा नगर पंचायत मोहान के बाबा बिहारी दास पकरा मोहल्ला करराना बालाजी मंदिर आजाद नगर मुन्ना मिस्त्री के घर से बाबूलाल रावत कटरा आदि जगहों से कृष्ण छठी के अवसर पर ये झांकियां निकाली गई। सभी झांकियों को एक जगह एकत्रित कर मोहान के मुख्य मार्ग से निकाला जाता है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। ये बच्चे राम सीता राधा कृष्ण शंकर पार्वती हनुमान गणेश व भारत माता व अन्य कई प्रकार के देवी देवताओं के रूप में बच्चों को सजाया गया था। इस पर्व के मौके पर नगर पंचायत के लोगों में बड़ा ही हर्ष व उल्लास का माहौल देखने को मिला। सैकड़ों झांकियों के निकलने के मार्ग पर दोनों ओर दुकानों की महफिल सजी हुई नजर आ रही थी। कार्यक्रम के इस मौके पर राम डोल की अगवानी कर रहे राम धीरज यादव ने बताया कि यह कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष पूरे विधि विधान से मनाते हैं। मोहान चेयरमैन हयात रसूल ने बताया कि हम सभी नगरवासी हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाते हैं और इसी तरीके से इसे आगे मनाते रहेंगे। सांसद प्रतिनिधि गुड्डू निगम ने बताया कि यह कार्यक्रम हम आदिकाल से मनाते आ रहे हैं और आज अनादिकाल तक मनाते रहेंगे। कृष्ण की छठी के अवसर पर नगर पंचायत के वरिष्ठ लोगों में मोहान चेयरमैन हयात रसूल, मोहान के पूर्व चेयरमैन समरजीत यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा राधेश्याम रावत, पूर्व चेयरमैन ओम कुमार साहू, सभासद तजुबुद्दीन, संदीप मौर्य, ललित मौर्य, आरएसएस अनिकेत सैनी, मुन्ना मिस्त्री, सुधांशु मौर्य, दीपक, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रत्याशी सोनू सिंह, पप्पू अम्बा मेडिकल स्टोर, राम सिंह यादव, आरएसएस कार्यकर्ता आदि बहुत संख्या में मात्रा में लोग मौजूद रहे। मोहान से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस कार्यक्रम में मोहान के सभी संप्रदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये हमारे मोहान का एक पारंपरिक बहुत सदियों से चला आ रहा कार्यक्रम जो अभी भी मौजूद है और आदिकाल तक भी चलता रहेगा ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की भव्यता ये है कि इसमें अनेक प्रकार की झांकियाँ और शोभा यात्रा निकाल करके घर घर से रामडोल निकलते हैं। रामडोल की झांकी निकलते समय सभी संप्रदाय के लोग साथ चलते हैं और साथ में ये जाकर के मोहान की सई नदी में इसका विसर्जन किया जाता है, तब वहाँ से कार्यक्रम का समापन हो जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये हमेशा इसी तरह हम लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे। नगर पंचायत मोहान के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाया जाता है और जन्माष्टमी कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसके छठे दिन यानी श्री कृष्ण भगवान की छठी पर्व पर यह एक कार्यक्रम रखा जाता है। जहाँ जहाँ जन्माष्टमी पर्व मनाए गए हैं, झांकी सजाई गई, वहाँ से रामडोल उठाए जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के शोभा यात्रा निकाली जाती है। यहाँ से शोभा यात्रा निकाल करके हम लोग मुख्य मार्ग से होते हुए कटरा से सई नदी तक जाते हैं और सब लोगों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे पूर्वज लोग तो बहुत पहले से मना रहे हैं जहाँ तक हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आज 9 वर्ष से मना रहे हैं। आज 8 साल पिछली बार हुए थे, आज 9वां वर्ष है, तब से हम लोग भली भांति मना रहे हैं और सब लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहता है, हमारे सम्रांत व्यक्तियों का, मीडिया प्रभारी का और सभी कार्यकर्ताओं का, इससे बड़ा अच्छा लगता है। एक हाँ, इसी तरह से हम लोग हर वर्ष ही मनाते रहेंगे और इससे अच्छा सब लोगों से हम लोग सहयोग मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा कार्यक्रम हर साल होता रहे।